जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन यानी JIMMC की शुरुआत जागरण एजुकेशन फाउंडेशन ने साल 2004 में की। ये इंस्टीट्यूट देश में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार दैनिक जागरण का हिस्सा है, जिसने मीडिया की पढ़ाई लिखाई में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज मीडिया के क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ताकि जब यहाँ से पढ़ाई खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में काम करने जाएं, तो वो पूरी तरह से तैयार हो। पढ़ाई लिखाई के अलावा यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी काफी ध्यान दिया जाता है, जिससे उन्हें पत्रकारिता में काम करने के तरीकों का पता चलता है। यहाँ मास कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया में BA और MA दोनों की पढ़ाई होती है, जिसमें प्रिंट जर्नलिज्म, टेलीविजन जर्नलिज्म, साइबर जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। यहाँ के प्रोफेसर अपने क्षेत्र के अनुभवी और जानकार व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में काम करने के तरीकों और अपने एक्सपीरियंस से वाकिफ कराते हैं। समय समय पर यहाँ मीडिया के बड़े बड़े लोगों को भी लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है, जो स्टूडेंट्स को मीडिया की मौजूदा जरूरतों के बारे में बताते हैं। इतने सालों में JIMMC ने मीडिया इंडस्ट्री को ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं जो नॉलेज, वैल्यूज, कमिटमेंट्स और टाइम मैनेजमेंट के महत्व को बखूबी समझते हैं और अपने काम में निपुण हैं। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में नए सेशन की शुरुआत होती है ओरिएंटेशन लेक्चर से, जिसमें स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी और समाज के बारे में जानकारी दी जाती है। और आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में प्रोफेसर और स्टूडेंट किसी भी अपने पसंदीदा विषय के बारे में एक दूसरे को रूबरू कराते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की जानकारी में वृद्धि हो। इनके अलावा खबरों की पूरी जानकारी के लिए हर रोज न्यूज़पेपर रीडिंग क्लासेस होती हैं, जिसमें उन्हें खबर को पढ़ाया और उसके बारे में लिखाया जाता है। साथ ही टेलीविजन न्यूज भी दिखाई जाती है। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को हर हफ्ते करंट अफेयर्स का टेस्ट भी देना होता है, ताकि करंट अफेयर्स पर उनकी पकड़ बनी रहे। इन सभी ज्ञानवर्धक तरीकों के अलावा JIMMC ने स्टूडेंट एज टीचर नाम का एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत स्टूडेंट्स अलग अलग विषयों पर प्रेजेंटेशन तैयार कर क्लास में लेक्चर देते हैं। इससे स्टूडेंट्स में जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ता है। ओरिएंटेशन लेक्चर्स के खत्म होने के बाद थियरी क्लासेस की शुरुआत होती है, जिसमें स्टूडेंट हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में उस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान टेलीविजन जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को न्यूज़ की स्टोरी करने के लिए स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर, ग्राफिक्स, रिपोर्टिंग और कैमरा को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। इस पूरे दौरान स्टूडेंट्स अपने मेंटर्स के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को पूरा करते हैं और काम करने के हर पहलू को जानते हैं। वहीं प्रिंट जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान अखबारों में छपने वाली खबर की बारीकियों को समझते हैं। वो भी अपनी स्टोरीज करने के लिए रिसर्च, रिपोर्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, हिंदी टाइपिंग, पेज लेआउट बनाना सीखते हैं और लैब जर्नल निकालते हैं। एड एंड पीआर स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और उसके लिए कैंपेनिंग और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये स्टूडेंट्स लाइव ब्रांड के स्टडीज पर काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स से मिलते हैं, उनसे जानकारी हासिल कर एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। थियोरी और प्रैक्टिकल क्लासेस के अलावा JIMMC अपने स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कई क्लब एक्टिविटीज भी चलाता है, जैसे डिबेट एंड क्विज क्लब, ड्रामा क्लब, डांस क्लब, फोटोग्राफी क्लब। अपनी पसंद के मुताबिक स्टूडेंट्स क्लब का चयन करते हैं
ये तमाम एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और इनके व्यक्तित्व को निखारती हैं। हर साल आयोजित होने वाले एनुअल फंक्शन में स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इसी दिन उत्तीर्ण और योग्य छात्रों को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। इस अवसर पर हमारी कोशिश होती है कि हम मीडिया के क्षेत्र से प्रसिद्ध हस्तियों को बुलाएं। इसमें कुलदीप नायर, आशुतोष, महेश भट्ट जैसे कई दिग्गज लोग आ चुके हैं। जिम्सी मीडिया फेस्ट में हमारे मुख्य अतिथि थे श्री कैलाश सत्यार्थ। जिम्सी के सुचारू और व्यवस्थित रूप से काम करने के पीछे है समर्पित लोगों की टीम, जो इस बात का ख्याल रखती है कि स्टूडेंट्स की सभी जरूरतों को समय रहते पूरा किया जाए। जिम्सी में कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को समाज के जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने से उनमें आत्मसम्मान, चरित्र निर्माण और समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध होता है। इसके अलावा GIMMC में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम का सही तरह से इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स सरकार और सरकारी संगठनों से अपने सवालों के जवाब मांग सके। आगे चलकर इसी RTI एक्ट को हथियार बनाकर स्टूडेंट्स पत्रकारिता में आगे बढ़ सकते हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन की यही कोशिश है कि वो अपने स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर उन्हें जिम्मेदार और सशक्त पत्रकार बनाएं।